बिहार उपचुनाव की बात करें, बिहार उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें आपको, एनडीए की 3 सीटों पर बंपर जीत हुई है। बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत हासिल की है, इमामगंज से हम की दीपा मांझी ने जीत हासिल की है, वही तरारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत की जीत हुई है। जीत का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। बड़ी और अहम जानकारी, वही रामगढ़ से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह जीते हैं। बिहार उपचुनाव के यह नतीजे आपको बता रहे हैं, बिहार उपचुनाव के जो परिणाम है वह सामने आ रहे हैं, वह आप तक पहुंचा रहे हैं। बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत हासिल की है, वही इमामगंज से हम की दीपा मांझी ने जीत हासिल की है, तरारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत की जीत हुई है। और इस बीच जीत का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। और इसी के साथ बता दें आपको, रामगढ़ से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह जीते हैं। बिहार उपचुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर और ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए की 3 सीटों पर जो एनडीए की जीत हुई है, इसमें आपको बता रहे हैं, इमामगंज से हम की दीपा मांझी जो है जीतन राम मांझी की बहू है, और लगातार इमामगंज सीट पर हम का ही कब्जा रहा है। और एक बार फिर से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने इमामगंज से जीत हासिल कर ली है। इमामगंज सीट पर जो है वह जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, और ऐसे में दीपा मांझी ने यह सीट जीत लिया है और हम की झोली में डाल दिया है। बेलागंज से जेडीयू की उम्मीदवार दीपा मांझी, माफ कीजिएगा, तरारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत की जीत पक्की। बड़ी और अहम जानकारी, वही जीत का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। रामगढ़ से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह जीते। बड़ी और अहम जानकारी लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। बिहार उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, एनडीए की 3 सीटों पर बंपर जीत हुई है, और कहीं ना कहीं या बिहार उपचुनाव के जो नतीजे हैं वह विधानसभा चुनाव में काफी असरदार होंगे। और हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, संजय राणा जो